दरभंगा शहर के नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक युवक को गोली मारकर घायल कर देने का मामला सामने आया है। गोली युवक के पैर में लगी है, फिलहाल उसका इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। बताया जाता है कि गुरुवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ला स्थित मारवाड़ी हाई स्कूल की गली में यह घटना हुई है। घायल युवक की पहचान सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कटेलिया गाँव निवासी मोहम्मद सज्जाद के पुत्र 20 वर्षीय मोहम्मद शाकिब रिहान के रूप में हुई। बताया जाता है कि घायल शाकिब लहरियासराय थाना क्षेत्र के पुरानी मुशफी मोहल्ला निवासी अपने रिश्तेदार मोहम्मद अली अशरफ उर्फ चांद मास्टर के यहां आया हुआ है। गुरुवार शाम शाकिब वहीं से चांद मास्टर के बेटे रिंकी उर्फ कैप के साथ बाइक से जैकेट खरीदने दरभंगा टावर जा रहा था। इसी दौरान दो बाइक सवार 3 युवकों ने मारवाड़ी हाई स्कूल की गली में घेर कर रोक लिया और पिस्टल सताकर 3000 रुपए छीन लिया। इस दरमियान जब पीछे बैठे शाकिब ने विरोध जताया तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली दाहिने पैर में लगने से शाकिब घायल हो गया। बताया जाता है कि बाइक चलाकर घायल शाकिब को लेकर भाग रहे मोहम्मद रिंकी के ऊपर भी 2 राउंड फायरिंग की गई, पर वे किसी तरह से जान बचाकर डीएमसीएच इमरजेंसी पहुंच गए, जहां घायल शाकिब का इलाज चल रहा है। मोहम्मद रिंकी उर्फ कैफ ने बताया दो अपराधी को पहचानते हैं और घायल के साथ हुए मामले को दर्ज कराया। इधर नगर थाना अध्यक्ष HNC ने कहा कि डीएमसीएच से गोली लगे युवक के बारे में सूचना मिली है, मामले की तहकीकात की जा रही है। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शाकिब हुआ। कहाँ घर है? रानी मनसफी घर। पिताजी का नाम? सज्जाद हुआ। क्या हुआ है, अभी डीएमसीएच में आए हुए, आपके टांग में गोली लग गया? हम और मेरे अंकल जा रहे थे, 3 लोग आए, उसके बाद गोली चलाने लगे हम लोग। कौन लोग गुत हैं गोली चलाने में? एक का नाम हसन है, एक हुसैन नाम है उसका। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग सेनापत मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम भोला खत है। क्या काम करते हैं ये लोग? काम नहीं पता है हमको। अच्छा, वो पहले मेरे अंकल पे वार किया तो उसको नहीं लगा तो फिर हमको लग गया। अंकल का क्या नाम है? अंकल का नाम कैफ हुआ। अच्छा, तो ये जो मामला हुआ क्यों हुआ आप पे, इतना बड़ा जानलेवा हमला के तरह से बता रहे हैं? इस बात की जानकारी नहीं है। उनसे कोई झगड़ा भी था? नहीं, उनसे कोई झगड़ा नहीं है। तो अचानक से क्यों मारा? नहीं पता, तो वही लोग बताएंगे। घटना कहाँ पे हुआ और कितने बजे में हुआ था? ये घटना अभी थोड़ी देर पहले की बात है। इसमें कितना मारवाड़ी स्कूल पे हुआ? कितना राउंड चला है गोली? 2-3 राउंड गोली चला है। जी, तो कितने गोली लगा है? हमको एक गोली लगी है। और भी कोई घायल है आपके साथ? नहीं। इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई और एक्शन लिया जाए। जो हमलावर थे कितने लोग थे और किस चीज़ से आए थे? हमलावर गाड़ी से आए थे, 3 लोग थे, 2 को तो हम पहचान लिए, एक को हम नहीं जानते। अच्छा, एक गाड़ी से थे? जी, ट्रिपल लोडिंग। जी। अच्छा, अभी आप डीएमसीएच आए हुए हैं, लगातार आप समाज के काम में हम देखते हैं आप आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं, दुख सुख हो किसी का भी उसमें बढ़ चढ़ के रहते हैं, तो क्या मामला हो गया आज आप अभी यहाँ? क्या मामला हुआ, लेकिन ये बताया है जैसा लड़का जी जो मार्केट करने जा रहा था। जी, मार्केट करने गया, आप कौन सब था तो ये पहचान लिया है। जी, तो सारी बात तो बता ही दिया। अभी इलाज चल रहा है उसका डीएमसीएच। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह हमला हो रहा है लगातार शहर में? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इस तरह का हो रहा है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा जी अशोक। ये लड़का जो है जिसको गोली लगा, इसका क्या कौन लगा आपका? होता है